एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। और कुछ ऐसा ही इस बार अरमान मलिक को सिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा ही उनको बोला जा रहा है। और कैसे कटारिया जो है उन्होंने कुछ ना बोलते हुए भी अरमान मलिक को इस चीज़ का जवाब बहुत सटीक तरीके से दिया है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि लवकेश कटारिया बिग बॉस के घर में अभी तक उन्होंने किसी से कोई फाइट उतनी ज़्यादा पिक नहीं की है, सिवाय सई केतन के साथ उनका जो हुआ हुआ। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे तो लवकेश कटारिया अपने मगन है, अपना गेम खेल रहे हैं और बहुत चिल है। लेकिन कल अरमान मलिक जो है वो एक बात कहते हैं कि देखो एलिगेशन तो बहुत लगते रहते हैं, जैसे कटारिया पर एलिगेशन लगा, कटारिया पर इल्ज़ाम लगा कि ये लड़कियों से मिलवाता है एल्विश को। दोस्तों उस समय कटारिया जो है वो शांत बैठे हुए थे, हंस रहे थे बिना कोई चीज़ का रिप्लाई किए। मैंने वो भी देखा कि भाई बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि कटारिया जो है उसने ये सारी चीज़ें की होंगी इसलिए शांत था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भाई ये अगर किसी, ये ऐसा बात है ना कि अगर कोई बोलते ना जो अल्पेश यादव को नहीं जानता, जो कटारिया को नहीं जानता, अगर ये बात पर कटारिया रिएक्ट कर देते तो कोई भी मान लेता कि भाई ये तो सच बात है। इसी वजह से हो सकता है, वैसे ही बातें हो सकती है। ये सोशल मीडिया पर ये भी बात हो रही है इस समय कि जिस तरीके से कटारिया ने अपनी चुप्पी रखी ये बहुत ज़रूरी था, मतलब बेमतलब की चीज़ों को हवा देने से बेहतर है कि तू मेरी खामोशी से। वहाँ पे कटारिया ने कुछ नहीं बोला, जिसके बाद अब उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन ट्रोलिंग हो रही है बदले में अरमान मलिक की, ये कहते हुए कि दूसरों पर कीचड़ उछाड़ने से पहले अपने आप को देख लो, आपने दो शादियाँ की प्लस 17 साल की उम्र में आपकी एक और शादी हुई थी जो डिवोर्स हो गया, फिर आपके मीड ने आपके ऊपर असॉल्ट का चार्जेस लगाया, तो आप अपने आप को देख लो, उसके बाद आप दुनिया को बताना कि आप मतलब कौन कितना गलत है। फिलहाल इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।